हेलो दोस्तों, आज हम टाटा SVS 4 का प्रो लाइफ इंजन डाल रहे हैं। दोस्तों, इसका ये डीजल पंप है। इसका काम है फायर ऑर्डर के हिसाब से इंजेक्टर को डीजल ऑपरेट करना। और दोस्तों, ये इंजेक्टर है। इंजेक्टर का काम है डीजल सप्ले करना पिस्टन के ऊपर। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये हीटर प्लग हैं। दोस्तों, हीटर प्लग का काम होता है कंबेशन चैम्बर में जब एयर और डीजल का मिक्सण होता है उस टाइम पर फायर करना। दोस्तों, ये ऑयल फिल्टर है। ऑयल फिल्टर का काम होता है ऑयल को शुद्ध रिफ्रेश करके इंजन में भेजना। और दोस्तों, ये अल्टरनेटर है। इसका काम होता है बैटरी को चार्ज करना। इसका नाम ही है जी। और दोस्तों, अल्टरनेटर के पीछे जो आप देख रहे हैं वैक्यूम है, ये ब्रेक लगाने में मदद करता है। और दोस्तों, ये डंपर पुड़ी। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं EGR है। EGR का काम होता है एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलर करके इंजन में भेजना। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनलेट मैनिफोल्ड है। प्रो लाइफ इंजन के अंदर क्लच प्रेशर फ्लाईव्हील न्यू आते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम इस इंजन को चेंज करें, इसके अंदर हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा थी और इसका हेड भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, हम आपको इसका पुराना इंजन दिखाते हैं। डालना है, ये देखो जी, इसका सिलेंडर हेड ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है। अब इससे आगे ज़्यादा फेस नहीं हो सकता। ये देखो जी, इसका इंजन सिलेंडर फ्लो, इसके अंदर स्विचिंग प्रॉब्लम है, इसलिए गाड़ी ज़्यादा हीटिंग दिखा रही थी। ये देखो दोस्तों, ये बहुत हीटिंग हो चुकी थी, इसके पिस्टन भी लाल पड़ गए हैं। ये दोस्तों, इस इंजन का नंबर होता है JBM टाटा BS4। ये इसका गियर बॉक्स है। हम इसको चढ़ा करके गाड़ी में भी चढ़ाएंगे दोस्तों, और आपको दिखाएंगे